हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सुल्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन एक, आदिल शाह द्वितीय, या दोस्तों आपको कहीं कहीं पर आदिल खान द्वितीय भी नजर आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? दोस्तों, पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको पारसनाथ पहाड़ी की लंबाई पूछा जाए तो दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी की लंबाई होती है 1365 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों, झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो कि रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड का नया चिन्ह, यानी कि दोस्तों झारखंड का जो नया लोगो आया है वो कब लागू किया गया है? दोस्तों, झारखंड का जो नया चिन्ह यानी कि नया लोगो जो है वो 15 अगस्त 2020 में लागू किया गया है। इससे पहले दोस्तों जो चतुर्भुजाकार का चिन्ह था झारखंड का, लेकिन अगर आप 15 अगस्त 2020 के बाद देखें तो गोल वाला चिन्ह बना दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसका जो झारखंड का लोगो है वो गोल कलर का है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड में प्रखंड की संख्या कितनी है? दोस्तों, झारखंड में प्रखंड की संख्या 264 है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? दोस्तों, झारखंड का जो प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता है वो है रणधीर वर्मा। ठीक है दोस्तों, रणधीर वर्मा को सबसे पहली बार अशोक चक्र प्राप्त हुआ था झारखंड में। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक तीर्थ यात्रा वाला शहर कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों आपका देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? दोस्तों, झारखंड में सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो बोकारो जिले में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? दोस्तों, अगर हम सब्जी को छील के और धो देते हैं तो उससे विटामिन सी निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों, झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों आगे इसी तरह का जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।